व्यूअर्स, हम इस वक्त सैन फ्रांसिस्को को डाउन टाउन में एंटर होने लगे हैं और ये आपको हम मैप दिखाना चाह रहा हूँ। ये बे ब्रिज है और ये अगर देखा जाए तो इसका दुनिया में तकरीबन 13वां 14वां नंबर है ब्रिजेस के हिसाब से। तो अगर आप इसका शाहकाराना अंदाज देखें तो ये बिल्कुल एक अस्टॉनिशिंग चीज़ है। अगर आदमी सोच में पड़ जाए तो पता चलता है कि ये वाकई किसी का एक बहुत बड़ा काम है जिसने बहुत सारा अंजाम दिया है। अगर टेक्निकल पॉइंट पे देखा जाए तो ऐसा कोई हमसर नहीं है। देख लें और ट्रैफिक भी देखें किस कदर स्लो स्लो जा रही है, क्योंकि स्लो जाना इसलिए बेहतर है क्योंकि इधर कैलिफोर्निया में तकरीबन आजकल बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही हैं और सारे का सारा जो सिस्टम है वो तकरीबन बड़ा सुस्त हो चुका है। और अगर आप इस साइड पे देखें तो नीचे पैसिफिक ओशन है, तो ब्रिज अभी जारी सारी है। तो आप डाउनटाउन की बिल्डिंग भी देख रहे हैं, अभी तो वो काफ़ी दूर हैं मगर जैसे जैसे बे ब्रिज को हम अबूर करेंगे तो वो बिल्डिंग भी साथ साथ करीब आती जा रही है। बस ऐसे ही बारिश इंजॉय करने के लिए आज बस प्रोग्राम बना लिया कि चलें चलते हैं सैन फ्रांसिस्को और जाके देखते हैं। ये देखें इस साइड पे देखते हैं तो आपको वो पैसिफिक ओशन और बीच में चलती चलती ये देखें ये बिल्डिंग्स हैं, आप अंदाजा लगा लें डाउनटाउन। ये ले तकरीबन बे ब्रिज हमने बूर कर ही लिया और नेक्स्ट जो आपको डाउनटाउन नजर आ रहा है वो तकरीबन सारा अप एंड डाउन है। ये देखें बिल्डिंग्स की हाइट देखें, और डाउनटाउन साथ साथ ट्रैफिक का रश, लाइट ऐसे चमक रहे हैं जैसे ट्विंकल ट्विंकल हो रहा है। थैंक यू। बोलिए।